राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 6:30 बज चुका है। हमारा नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम और माझी पार करके खड़े हैं, मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया है तो टायर दुकान में खड़े किए हैं। तो टायर दुकान वाले बोले कि भैया हम सवेरे बनाएंगे 6-7 बजे, तो अभी जगाए तो बोले लगाइए खोलिए, अब जक लगा रहे हैं तो मशीन से खुलवाते हैं। और रामगढ़ यहाँ से 10-15 किलोमीटर रह गया है तो खुलवाते हैं, लगाते हैं मशीन। ये गाड़ी खड़ी है, ये टायर दुकान है और यहाँ पे सुविधा केंद्र बना हुआ है। गाड़ियाँ खड़ी है, देखिए केरला नंबर, गैस लोड करके ऑक्सीजन। तो हम भी जाते हैं, टायर खोल रहे हैं। अभी मेरा ट्यूब खराब हो गया, ये वाला ये टायर ट्यूब बनेगा नहीं, कहे कि भ्रष्ट है, उसी में पंचर हो गया है, बनवाए थे तो। तो ये देखिए वो ट्यूब डाल रहे हैं, ये फ्रेश ट्यूब है, 1100 रुपये में डाल रहे हैं ट्यूब को, और डल जाएगा। यही प्रॉब्लम कि हमको टायर पंचर हो चुका ट्यूब के चलते। तो ठीक है, डलवाते हैं। तो टायर फिट हो गया और ये मशीन से टायर मेरा टाइट हो गया, मशीन टाइम नहीं लगा, परेशानी नहीं बढ़ा। अब जग गिराते हैं, उसके बाद बिल बनवा के फिर निकलते हैं। सुबह का 7:45 बज चुका है, हमारा टायर बन गया, फिट हो गया। ये मेरा बिल मिल गया हमको 1400, मतलब 1500 रुपया लगा हमको इसमें। चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। अरे सुविधा केंद्र यहाँ पे है, पूरा रोड है बगल में। और देखिए ये लगा रहा है लोग फास्टैग वाले तंबू यहाँ पे। दिन के टाइम बज गया 9 बज गया और हमारा गाड़ी आ गया है, खड़ी है गाड़ी सामने। ये देखिए रोबिन होटल है यहाँ पे, यहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं और हम घर निकलते हैं। देख सामान वामान सब देखिए हम ला लिए हैं, सब सामान रख दिए झोला में, बैग में, झोला में, बोरा में। ये जो कटहर लिए थे, ये देखिए कटहर जो लिए थे वो कटहर भी ले लिए हैं। इसमें कपड़ा है मेरा, इसमें गुड़ है और चावल है। घर के लिए एक जगह गाड़ी है हमारी, यहीं पर खड़ी कर दिए। हेलो दोस्तों, पापा घर में आ चुके हैं और ये हमारी मम्मी है, माता श्री है। आप लोग कमेंट करते थे ना, तो आज देख लीजिए हम लोग नए वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। वहाँ पर भी रेंट में रहते थे, यहाँ पर भी। तो देखिए आज पूजा हो रहा है घर का, तो मम्मी पापा देख लीजिए, पापा आ चुके हैं घर में, ये हमारे माता श्री है, ऐसे पूजा हो रहा है। धूप से दीजिए, आप भी पता लगाइए इसे हाथ में लगा लिए ना, धूप दीजिए। ओम श्री मंगला नीति नम स्वाहा, तो आप लिए ओम लक्ष्मी नारायण धुन म स्वाहा। हेलो दोस्तों, दोपहर का 2:30 बज चुका है और फिलहाल हम घर में 8 बजे आए हुए थे। तो ज़रा सा बात ऐसा है कि जो घर में पहले हम रहते थे ना, वो घर से हमको दूसरा घर में शिफ्ट करना था, तो ये नया फ्लैट बना हुआ है। तो आज बड़ा शुभ दिन है कि हम भी पहुंच गए और साथ में पूजा उजा हुआ, कथा उथा हुआ, सब बढ़िया से विधि विधान से जैसा आदमी चाहा वैसा हुआ। और उसी के उपलक्ष्य में देखिए ये सब पूजा उजा खाना वाना, ये खीर है, ये देखिए तड़का है, और ये आपका काबली चना और पनीर है, ये पूरी है। तो यहाँ हम लोग अब शिफ्ट कर जाएंगे, एक दो दिन में वहाँ खाली कर देंगे। और वो भाई को थोड़ा दिक्कत था, उनको शायद को कुछ खोलने वाले हैं उसमें स्कूल, इसको वजह से। तो वहाँ भी ठीक है था, सेफ जगह था, और यहाँ भी बहुत सेफ जगह है, देख लीजिए पूरा खुला जगह है। दो फ्लैट है वहाँ पर, एक पार्ट उधर है और एक पार्ट इधर है, इस पार्ट में हम रहेंगे। दो बेडरूम है, एक हॉल है, एक सामने आपको वो बरांडा है,
और ये बड़ा सा हॉल है, और उधर में बाथरूम है पूरा कंप्लीट, और एक गेट है सामने का, और एक जो बेडरूम है ना उसमें एक बाथरूम है। तो हम भोजन करते हैं और हमको निकालना भी है जमुई आसनसोल, माल अर्जेंट है, कल तक डेट है, नहीं तो फिर पैसा कटने रहेगा। और गाड़ी हमारा सेठ जी का पलटी हो गया था, उसमें हम रुक गए थे परसों 11 बजे रात को आके, फिर 9:30 बजे चले, तो मेरा टायर पंचर होने के कारण थोड़ा लेट से पहुँचा हम, नहीं तो रात में पहुँच जाते 3 बजे 4 बजे। तो ठीक है दोस्तों, हम भोजन करते हैं। जय मानपूर्णा। जय। तो देखिए खीर बना हुआ है, खीर और पूरी से थोड़ा मुंह मीठा करते हैं, उसके बाद में ये तीता उता खाया जाएगा। और उधर देखिए चंद्र बाबू का दोस्त आए हैं, एक छोटे भाई हैं यहाँ पे, वो भी भोजन कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग शुरू कीजिए, आप लोग भी। बहुत खुशी हुआ, अच्छा हुआ मिल के। और लोग जो मेहमान लोग दोस्त गेस्ट आए थे वो कभी कभी 40-50 आदमी, तो उन लोग को पहले हम लोग खिला दिए, उन लोग को रियाद दिए, भेज दिए, तो अब लास्ट में हम बैठे हुए हैं, सबको खिला उला के लास्ट में बैठे हुए हैं। और देखिए ना मौसम ख़राब हो गया है, बारिश हो रहा है, हवा बहुत तूफान चल रहा है, देख सकते हैं पानी गिर रहा है। तो ठीक है, चंदन बाबू देखिए शूटिंग कर रहे हैं, आ गए घर में। तो दोस्तों गाड़ी के पास आ गए हम, पापा आ गए थे आज सुबह में, नहीं तो रात ही में पापा पहुंच जाते क्योंकि टायर पंचर हो गया था हमारा और मांझी में। तो गाड़ी के पास अभी आ चुके हैं, देखिए लॉक खोल दिए हैं, और उधर वाला खिड़की नहीं चढ़ा है, पानी मारा था साथ भींग गया होगा उधर, और इधर अपना इंडिकेटर डायरेक्ट हो गया। और हम अपना दोस्त के साथ आए हुए हैं कुंदन और आर्यन के साथ, बाइक लेके चेक करने के लिए गाड़ी के पास। यही मेन हाईवे है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है झारखंड में, ये सब रामगढ़ एरिया में आता है। तो रात को 8 बज चुका है और जिस घर में हम रहते थे वहाँ से हम दूसरा नया वाला घर में पूजा हुआ, यहाँ हमने शिफ्ट कर गया। तो देखिए गाड़ी में सब सामान टेम्पू से आ चुका है, वहाँ से पूरा जितना सामान था मेरे पास में सब खाली कर दिया है, और देखिए पूरा घर में रखा हुआ है। अब ये सामान कल सेट करेगा लोग, ये देख सकते हैं पूरा, देख सकते हैं पूरे सामान यहाँ पे रखा हुआ है, और हमको निकलना भी है। बोले तो हम कपड़ा वपड़ा खोल दिए हैं और गंजी पहने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए सामान सब आ रहा है और बाबू लोग सब सामान ढो के लाए, हम तो गए नहीं किए, मेरा गाड़ी खड़ा है 4 लाइन में, तो सामान पर हम निकलेंगे यहाँ से, करीब 9-10 बजे निकलेंगे यहाँ से हम। हेलो दोस्तों, रात्रि का 9 बज चुका है और देखिए हमारा खाना लग गया, क्योंकि हमको निकलना होगा अभी फिलहाल, कल तक डेट है 14 तारीख का, और बंगाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बॉर्डर ऑर्डर में, इसलिए हम टाइम से निकलेंगे ना तो पहुँचेंगे अभी। तो अभी खाना खा के और हम और चंदन बाबू भी मेरे साथ जाएंगे। आप लोग बोलते थे ना कमेंट में कि चंदन बाबू को कब लाएंगे, आपको परेशानी हो रहा है, तो चंद्र लोग जाएंगे, इनका परीक्षा तो कैंसिल हो गया है। देखिए आलू का सब्जी और पनीर और चना पब्लिक का लग गया है, तो हम खाना खाते हैं, भोजन करके फिर निकलते हैं। जय मानपूर्णा। सादा भोजन है, इसमें लहसुन प्याज नहीं डला हुआ है, पूजा हुआ ना, और यहाँ पर भी वहाँ भी रेंट में रहते थे और यहाँ पर हम रेंट में आके शिफ्ट किए हैं, ये अपना खुद का घर नहीं है। देखिए भगवान कब दे रहे हैं, बस आप लोग का स्नेह प्यार बनाए रखिए हमारे ऊपर। जय मानपूर्णा। तो खाना खाना शुरू कर दिए दोस्तों, पापा साथ आज बैठ के खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पापा बहुत दिन बाद आए हैं घर में, और पापा आज मम्मी पूजा पाठ किए, आज मम्मी आप लोग कमेंट करते थे मम्मी को दिखाइए, तो हम अपने माता श्री को भी दिखाएं आज ब्लॉग में। तो खाते हैं दोस्तों, और हमारा एग्ज़ाम है जो इलेक्शन के वजह से हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो कौन सा डेट में एग्ज़ाम को अब निकाला जाएगा नहीं पता, 4 एग्ज़ाम अभी और बाकी है, अब ये डेट का तो पता नहीं कब होगा। 20 तारीख को यहाँ रामगढ़ में इलेक्शन ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा डेट का कुछ। हेलो दोस्तों,
10:45 बज चुका है और हम भोजन कर लिए और अब निकल रहे हैं घर से, तो जा रहे हैं गाड़ी के पास, बाईपास में गाड़ी खड़ी है रोबिन ढाबा में, तो वहाँ से फिर हम लोग निकल पड़ेंगे वेस्ट बंगाल दुर्गापुर के लिए। और ये देख सकते हैं यहीं हम आके शिफ्ट किए हैं, अभी आज शिफ्ट करके यहाँ पे, और खुला जगह यहाँ पर इलाका है, और इसके पीछे में रहते थे करीब करीब 800 मीटर यहाँ से होगा। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं। हेलो दोस्तों, हम गाड़ी के पास आ गए, हम और पापा और भैया हमारे छोड़ने के लिए आए हैं। और देखिए गाड़ी का अभी इंजन शांत है, तो मोबिल नीचे बैठा हुआ होगा, तो मोबिल आप लेते, देखते कितना मोबिल है। पानी पड़ा था तो शीशा पूरा गंदा हो गया, दाग धब्बा आ गया है, उसको साफ करके पहले, उसके बाद स्प्रे मार के दूसरे कपड़े से साफ करेंगे तो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो शीशा साफ करते हैं। दोस्तों गाड़ी बैक हो रहा है, अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, पापा बैक कर रहे हैं, देख लीजिए आ रहे हैं। देखिए दोस्तों गाड़ी पीछे हो रहा है, बैक हो रहा है। दोस्तों 10:30 बज चुका है, हम गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, और देखिए रोबिन ढाबा है वो सामने, हम चलते हैं बंगाल के लिए। आगे ब्रिज आएगा, उसे बाएं लेना पड़ेगा हमको। तो ठीक है दोस्तों, सफर तय करते, चंदन बाबू आ गए अब। हेलो दोस्तों, हम भी आ गए। हेलो दोस्तों, अभी हम बोकारो रोड में हम हैं जो धनबाद जाता है, तो थोड़ा रोके गाड़ी चाय पीने के लिए, चाय पीते तो थोड़ा मियाज फ्रेश होता है, तो चाय तो पी लिए। चंद्र बाबू चाय लाए थे, भेजे थे उनको होटल में, और चंद्र बाबू मेरे साथ में है, आ गए हैं ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो आज का ब्लॉग हम समाप्त करते हैं, और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।